उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बरेली समेत 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के तमाम मतदान केंद्रों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इस बीच बरेली में मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खमड़िया आजमपुर के मजरा गौटिया के मतदाताओं ने सुबह से एक बड़ा पोस्टर लगाकर मतदान का बहिष्कार किया। गौटिया मजरा के मतदाताओं का कहना है कि चकबंदी की मांग के बावजूद आजादी से अब तक उनके मजरा गौटिया की चकबंदी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कई भूमाफियाओं ने जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। उन्होंने आवाज बुलंद करते हुए पोस्टर के जरिए कहा कि जब तक गांव में चकबंदी, सड़क और लिंक रोड, सार्वजनिक भवन, पीने के पानी की व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था और स्कूल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक मतदान बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने पोस्टर में लिखा कि ग्राम खमरिया आजमपुर का मजरा गौटिया के सभी मतदाता दिनांक 14 फरवरी 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 का बहिष्कार करते हैं। महिला और पुरुष मतदाता वोट नहीं डालेंगे। इस बीच ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार की सूचना जब तहसील प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया और आनन फानन में नायब तहसीलदार दीप्तिपाल और लेखपाल शैलेंद्र प्रताप ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए बताया कि शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से वह नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। गांव में रास्ता नहीं होने की वजह से युवक और युवतियों की शादियां नहीं हो रही हैं। इसके अलावा रास्ता नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को इलाज के लिए ले जाते वक्त शिशु की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में भी वह मतदान का बहिष्कार करेंगे। वोट मिलेगा, हमारी मांगे पूरी करो, वोट मिलेगा, हमारी मांगे पूरी करो, वोट मिलेगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी शर्तें पूरी करो, हमारी मांगे ना हो, हम वोट ना देंगे।